ठीक है। तो आज आप सबको नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज से नवरात्रा स्टार्ट हुए हैं, तो भगवती की आशीर्वाद से हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो लोग कल के सेशन में नहीं आए थे, तो कल के सेशन का मैंने रिकॉर्डिंग डाल दिया है, ठीक है, यूट्यूब चैनल का। आप लोग जो कल मिस किया है, आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। और अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिला है, तो मेरा चैनल है मधुबाला चावला के नाम से, आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। उस पे आपको लेटेस्ट जो है हमारा कल के वेबिनार का वीडियो मिल जाएगा, उसमें काफी चीजें मैंने बताई थी, तो आप लोग जो कल नहीं ज्वाइन कर पाए वो उसको जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात करना चाहूंगी, राइट। तो आप लोगों के कुछ मन में कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, फिर हम एक एक करके बात करते हैं। हाँ जी, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेके, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हैंड रेज कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना, कोई बात नहीं करनी क्या? हाँ ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सब लोग सुनने के लिए आए हैं कि नहीं मैडम हमें कुछ नहीं पूछना, आप तो कुछ सिखा दो बस, कुछ ऐसे टिप्स दे दो कि लाइफ बदल जाए, है ना, ऐसा सोच रहे हैं क्या आप लोग? सही सुषमा जी कह मैडम, रही है आपने दिल की बात पढ़ ली। सुषमा जी इज अग्री। ओके, एनीवन एल्स? और कोई? बाकी सब भी ऐसे ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो ऑन कीजिए ना प्लीज, आप लोगों के वीडियो ऑफ हैं, तो आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के। पर्दे के पीछे रहने में कहाँ मजा है। आप लोग इतने अच्छे सुंदर चेहरे भगवान ने दिए हैं, उसको ऑन कीजिए, मैं भी तो देखूं कौन कहाँ से है। हाँ ठीक है, ओके। तो बाकी सब लोग कल थे, आप सब लोग कल थे कल के वेबिनार में? ठीक है, कल मजा आया सबको? काफी लोगों के मेरे पास पर्सनली मैसेज आया कि बहुत एंजॉय किया। कल हम नहीं सुन पाए मैम, आप कब सुन ही नहीं पाए, प्रेजेंट थे बट इधर उधर घूमते रहे काम। आज कोई बात सुनेंगे नहीं, फिर से। और हाँ कोई चैनल दे, बात आपका यूट्यूब वीडियो देखूंगी, अभी आपने बोला अभी वो देख लूंगी। नहीं, ठीक, यस यस डेफिनेटली, ओके। वीडियो देख के ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, जी, ठीक है। तो देखो अभी आप लोगों को कल मैंने बताया था मेरे बारे में, तो मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, मेरा नाम मधु चावला है, मधुबाला चावला, और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और वैसे तो मैं कहूंगी कि शायद मैं इस साइंस से, इस जन्म से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ, है ना, ये मुझे भी नहीं पता। कई लोग पूछते हैं कि मैम आपको कितना साल हो गया, तो मुझे लगता है कि मैं भी नहीं जानती, पता नहीं कितने जन्मों से मैं इस विद्या के साथ में जुड़ी हुई हूँ। बचपन से एक वो होते हैं ना संस्कार, आप जिसको कहते हो, आपका जो खिंचाव है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल साइंस, ऑकल्ट साइंस की सेवन तरफ। एंड थ्री नंबर्स हैं आपकी बर्थ डेट में मैम, हाँ जी सेवन और रेणु, थ्री नंबर, सेवन एंड थ्री नंबर हैं आपकी बर्थ डेट में? नहीं मेरे बर्थ डेट में तो नहीं है, नहीं। बट अच्छा कुंडली कहीं सकते हैं। अच्छा हाँ अच्छा गुरु गुरु केतु को देख रहे होंगे। ये सब होगा ना, गुरु आपके जी, अच्छे होंगे। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ाव रहा है ना, तो तब से पढ़ती आ रही हूँ मैं कुछ 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 कुछ, और मुझे लगता है कि बहुत सारे जन्म लगेंगे इस विद्या को सीखने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं वो आप लोगों के साथ कोशिश करूंगी शेयर करने की, ठीक है। और हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, 23rd of March, राइट। तो जो लोग एनरोल करवाना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, जो लोग कल आए थे आई होप उनको सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए होंगे कि कोर्स कैसा होगा, अच्छा मैम पढ़ाएंगी या नहीं पढ़ाएंगी। जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया या कल का वीडियो देखा है, उनके आई थिंक ये क्वेश्चंस तो खत्म हो गए होंगे, ठीक है। और ये वाला जो कोर्स है काफी लंबा चौड़ा कोर्स है, राइट, ये पूरा एडवांस लेवल का है, बेसिक न्यूमरोलॉजी, बेसिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी और एडवांस, ये पूरा एडवांस लेवल का कोर्स है, ठीक है। आप ये मत समझना कि फीस कम रखी है तो इसका मतलब ये एडवांस लेवल नहीं है, कम फीस में एडवांस दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें आपको A to Z मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा,
रमाकांत मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखना है कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले तो उसको समझो। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? अंक शास्त्र है ना। अंकों के माध्यम से हम अपनी लाइफ, अपना करियर, अपना फ्यूचर देख सकते हैं, ठीक है? जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है उसी तरह से अंक शास्त्र होता है, वास्तु शास्त्र होता है। ज्योतिष में हम कुंडली बनाते हैं, किसी फला व्यक्ति का क्या जन्म तारीख है, क्या जन्म समय है, ठीक है, क्या जन्म का प्लेस है, कुंडली बनाते हैं। बट न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि पूरी कुंडली जो होती है वो बहुत आसान तरीके से बनती है। अगर आपको अपने जन्म का समय नहीं पता, ठीक है, प्लेस नहीं पता, तो भी आप न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र से किसी भी व्यक्ति के बारे में, अंक शास्त्र वैदिक का ही भाग है, अलग कब से हुआ? तो रमाकांत जी, मैंने तो ये शब्द यूज ही नहीं किया कि अंक शास्त्र अलग है। वैदिक तो जननी है ना, वैदिक तो जननी है, सभी विद्याएं वैदिक की ही तो देन है, ठीक है। ज्योतिष तो माँ है, वैदिक ज्योतिष। अंक शास्त्र तो उसी में से ही कहीं ना कहीं हुआ है। और बिना अंक शास्त्र के ज्योतिष की भी मतलब हम नहीं कह सकते कि गणना होती है। ज्योतिष की गणना करने के लिए भी तो अंकों की जरूरत पड़ती है ना, तो एक दूसरे के पूरक है। ज्योतिष के बिना अंक शास्त्र अधूरा है और अंक शास्त्र के बिना ज्योतिष भी अधूरा है, ठीक है। उसमें भी तो नंबर चाहिए होंगे ना। राशि की भी बात करते हैं तो यही बात करते हैं ना, पहले नंबर की राशि कौन सी है, दूसरी कौन सी है, पांचवी कौन सी है। तो बिना नंबरों के तो ज्योतिष भी नहीं होता, और बिना ज्योतिष के अंक शास्त्र का भी कोई वो नहीं है। तो वैदिक ज्योतिष तो जननी है, ठीक है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है रमाकांत जी, ये बहुत डिस्कशन का टॉपिक है, इस पे मैं चाहूँ तो 10 दिन डिस्कस कर सकती हूँ। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए, मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती इस चीज को लेके, ठीक है। बस मैंने इतना बेस बता दिया कि जो ज्योतिष है वो सबकी जननी है, इस पे हमें आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, है ना। देखिये मोबाइल न्यूमरोलॉजी के मैंने कल एग्जाम्पल दिए थे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होता है। जो लोग कल के सेशन में नहीं थे वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं उसी चीज को रिपीट करूंगी तो हमारा आज का सेशन भी सारा उसी में चला जाएगा। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ। हमारी हमारे पास एक मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, उस नंबर की वाइब्रेशन होती है और हम उस वाइब्रेशन से कनेक्टेड होते हैं। हमें कौन सा मोबाइल नंबर मिल रहा है, कौन सा मोबाइल नंबर हमारे पास आ रहा है, ये सब भी कहीं ना कहीं भाग्य, कर्म और समय की बात है, ठीक है। बिना भाग्य के हमें अच्छे अंक भी नहीं मिलेंगे, और अगर भाग्य कैसे बनेगा अगर हमने कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं, ठीक है। और अगर हमारा समय अच्छा आने वाला है तो हमारे पास अंक भी पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, ऐसे अंक जो हमारे जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। और अगर समय कहीं ना कहीं चैलेंजिंग आने वाला है या फिर चैलेंजिंग चल रहा है तो अंक भी हमारे पास चैलेंजिंग ही आएंगे। मैंने कल बताया था कि हम मोबाइल नंबर्स को चूज नहीं करते, मोबाइल नंबर हमको चूज करता है। ये हमारी गलत फहमी है, हमें लगता है कि मैं तो ये मोबाइल नंबर लेके आया, मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने वो सिलेक्ट किया, नहीं, ठीक है, मोबाइल नंबर हमको चूज करता है। और अब मजे की बात देखो, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, या फिर जो लोग न्यूमरोलॉजी सीख के उसको अपनी लाइफ में एड ऑन करेंगे, उनका भाग्य में कहीं ना कहीं परिवर्तन होने जा रहा है। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है उनका। हर किसी के भाग्य में सीखना भी नहीं है, हर इंसान इस विद्या को सीख भी नहीं सकता। जिसका भाग्य है वही इंसान सीख सकता है, ठीक है। आप देखो, किस्मत से आपके पास ही आया, किस्मत से आपके पास ही लिंक क्यों आया, किसी और के पास क्यों नहीं गया? आप लोग ही क्यों हैं इस लिंक पे? कल आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत लोगों के मैसेज आए कि हम ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे, पर आप लोग उस लिंक पे थे और बहुत लोग लिंक पे नहीं थे। जिनके भाग्य में है वही इंसान इस विद्या को सीख सकता है, मेरा तो यही मानना है। मैंने लाख कोशिश कर ली कुछ चीजें सीखने की, मैं नहीं सीख पाई क्योंकि वो मेरे भाग्य में नहीं थी। और कुछ चीजें चल चल कर मेरे पास आ रही है कि ये करो वो करो, वो मेरा भाग्य है, वो मेरा समय आ चुका है, ठीक है। आप भी देखोगे, बहुत बार कोशिश करोगे आप कि मैं ये सीख लूं वो सीख लूं, आप नहीं सीख पाओगे, आपका समय आया नहीं है परिवर्तन का। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अवॉइड करने की कोशिश भी करते हो ना, तो भी आप एनरोल करवा लेते हो, ठीक है,
आप चाहते हो कि नहीं अगली बार सीखूंगी, पर आपका मन कहता है कि नहीं आज ही सीखना है क्योंकि आपका समय आ चुका है. सो इट्स अ मास्टर प्लान. ईश्वर ने सब डिसाइड कर रखा है, राइट, कि कब कहाँ किसके साथ में क्या होना है. तो नंबर भी अपनी मर्जी से चल के आते हैं. आपका मन करेगा तो आप पासवर्ड चूज करके लगा लेंगे. आप कभी मन होते ना बैठे बैठे आप पासवर्ड बदल देते हो कि नहीं बहुत दिन हो गए आज तो मैं पासवर्ड बदलूंगा. तो आप नया पासवर्ड लगाते हो तो नए नंबरों को अट्रैक्ट कर रहे हो आप उस टाइम पे अपनी लाइफ में. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा मन करता है कि नहीं गाड़ी तो मैं ना ये वाली गाड़ी का नंबर मेरे को कुछ भा नहीं रहा, मैं इसको सेल करके दूसरा नंबर लूंगा, है ना. तो नए नंबर आपकी लाइफ में आने लगते हैं. तो नंबर खुद ब खुद आते हैं, आप चूज नहीं करते, आपके भाग्य के हिसाब से नंबर खुद चलकर आते हैं. पर जब आप अंक शास्त्र को समझ लेते हो, इन नंबरों का गेम समझ लेते हो, इन नंबरों की वाइब्रेशन समझ लेते हो, तो आप में भी ईश्वर की कृपा होने लगती है कि आप भी कहीं ना कहीं उन नंबरों को चूज करने लगते हो, क्योंकि आप पे ईश्वर का वो स्पेशल वरदान है. अब ईश्वर की स्पेशल कृपा आप पे पड़ गई है, वो दृष्टि आप पे पड़ गई है. अभी तक जो स्ट्रगल चल रहा था शायद आज वो समय आ गया हो नंबरों को बदलने का. ठीक है, तो ईश्वर की कृपा के बिना तो वो भी पॉसिबल नहीं है. मैंने भी सीखने के बहुत सालों बाद अपना नंबर चेंज किया, मैंने सीख कर भी नहीं चेंज किया, हो सकता है मेरा समय नहीं होगा. ठीक है, मैं वो पुराने नंबरों के साथ ही चलती रही क्योंकि मेरे को बहुत मतलब ये लगता था मैं एक्सपेरिमेंट करूं, देखूं, रिसर्च करूं, फिर मैं चेंज करूं. मैंने बहुत रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किए, ट्राई किया, फिर जाके मैंने उनको अपनी लाइफ में एड ऑन किया. मैं पासवर्ड भी एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, अभी ये पासवर्ड लगाया है तो क्या हो रहा है, अभी ये लगाया है तो क्या हो रहा है, किसकी क्या वाइब्रेशन मिल रही है, इन पे भी रिसर्च करते हैं. ठीक है, तो नंबरों को जब आप समझने लगते हो, इनकी वाइब्रेशंस को समझने लगते हो, तब आप इनके साथ में एक गेम की तरह खेलते हो. ठीक है, नंबरों को कैसे यूज करना है ये एक गेम की तरह बन जाता है आपके लिए, है ना. बहुत आसान है, ठीक है, इस विद्या को सीखना. कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं ज्योतिष तो मैं नहीं सीख सकता, बहुत मुश्किल है, बट अंक शास्त्र बहुत सरल है. ठीक है, ये विद्या दिल से सीखी जाती है. ठीक है, आपका अपना मन इसमें इतना मतलब अट्रैक्ट होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. मैंने इतनी सारी विद्याएं मैंने सीखी हैं, मैंने ज्योतिष, केपी, नाड़ी, वास्तु, रमल, बहुत कुछ सीखा है, पर उनमें जो अंक शास्त्र है ना, इसकी बात ही कुछ और है. मतलब इसकी बात ही कुछ और है. ठीक है, ज्योतिष में हमें बहुत साल चाहिए. हाँ, हालांकि मैं नहीं कहती कि हर विद्या परफेक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम ज्योतिष से देखते हैं वो अंक शास्त्र में नहीं होती, बहुत सारी है जो हम अंक शास्त्र में देखते हैं वो ज्योतिष में नहीं होती. ठीक है, तो हम इनको एक दूसरे की हेल्प लेके हम आगे प्रिडिक्शन कर सकते हैं. आपको ज्योतिष आता है तो आप अंक शास्त्र सीखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है. ठीक है, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो बहुत क्विकली आप इनकी वाइब्रेशन चेंज करते हो. ठीक है, तो मोबाइल नंबर के 10 नंबर होते हैं, कौन सा नंबर लेना है, कौन से योग बनाने हैं, कौन से कॉम्बिनेशन बनाने हैं, उसका टोटल क्या लेना है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी हम मैच करके देखते हैं. जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनके लिए तो हम जनरल एक देते हैं नंबर, जो नंबर सभी के लिए अच्छा हो, चाहे वो कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो. ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि जब डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप कैसे ड्राइवर कंडक्टर से मैच करोगे, आपने जो नंबर दिया हो सकता है वो एनटीओ मेरे ड्राइवर कंडक्टर का, पर डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता. तो उसके लिए भी हम जनरल नंबर डिसाइड करते हैं जो सभी के लिए अच्छा है. ठीक है, किसी को वो नंबर दुख तकलीफ देगा ही नहीं. तो बिना डेट ऑफ बर्थ के भी आप मोबाइल नंबर चूज कर सकते हो, आपको डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं है. अगर डेट ऑफ बर्थ है तब हम इसको एज ए रेमेडी यूज करते हैं. ठीक है, कौन कौन से नंबर आपके ज्यादा हो रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं, कौन से मिसिंग हो रहे हैं, तो इसको एज ए रेमेडी हम यूज करते हैं. देखिए, गाड़ी के नंबर भी हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी से न्यूमरोलॉजी से सीखते हैं. ठीक है, कौन सी गाड़ी लेनी है, उसका टोटल क्या होना चाहिए, उसके कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, तो व्हीकल नंबर में ये सिखाया जाता है. ठीक है, जब आप न्यूमरोलॉजी को सीखते हो तो हर जगह लगाते हो ना, फिर आप सिर्फ मोबाइल में थोड़ी लगाओगे. आप जब अंक शास्त्र को सीख लेते हो, ठीक है, आप जब इसको कंप्लीट सीख लेते हो इस विद्या को, तो हर जगह लगाओगे ना आप अकाउंट नंबर में भी लगाओगे. ठीक है, आप पासवर्ड में भी लगाओगे, आप ईमेल आईडी में भी लगाओगे,
आप अपने नेम करेक्शन में भी लगाओगे, मोबाइल नंबर में भी लगाओगे, गाड़ी के नंबर में, स्कूटर के नंबर में, हाउस नंबर में, हर जगह नंबरों का रोल है, ठीक है? तो हर जगह आप इन नंबरों को यूज कर सकते हो, ठीक है? बस हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी ब्लेसिंग लेनी है, किस मित्र को इनवाइट करना है और किसको दूर से प्रणाम करना है। ऐसे ही होता है ना, कुछ लोग हमारे अच्छे मित्र होते हैं, उनको बार बार बुलाते हैं, प्लीज आओ खाने पे आओ, लंच पे आओ, रहने के लिए आओ। और कुछ लोग होते हैं हम उनको हाथ जोड़ देते हैं कि भाई साहब अभी थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं, फिर बताएंगे कब मिलना है, उनको प्रेम से ही हम कर देते हैं। और कुछ के तो फोन भी नहीं उठाते, हमें लगता है कि दूर ही रहे तो बेहतर है। तो न्यूमरोलॉजी में भी किस अंक का कैसे स्वागत करना है, किसको कैसे वेलकम करना है, ये हम सीखते हैं, ठीक है? हाँ जी भंवर जी। आई थिंक इनका कोई क्वेश्चन नहीं है, बैकग्राउंड से म्यूजिक चल रही है, ठीक है? देखिए अननेसेसरी आप हैंडरेज नहीं करें, अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो ही आप हैंडरेज करें, ठीक है? नहीं तो क्लास में इस तरह से डिस्टरबेंस होता है, और एक एक मिनट कीमती है, हो सकता है उस एक मिनट में किसी व्यक्ति को कुछ सीखने को मिल जाए और वो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दे, राइट? ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, न्यूरोलॉजी के कॉम्बिनेशंस कैसे काम करते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया था, बट आज भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ शेयर करने के लिए, ठीक है? तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है? एक सेकेंड। अभी हम देखते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशंस जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, विच आर गुड फॉर अस, है ना, वो कॉम्बिनेशन कौन से हैं? अगर किसी को एजुकेशन के लिए ब्लेसिंग चाहिए, ठीक है, तो मोबाइल नंबर में हम 31 का कॉम्बिनेशन या 13 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ठीक है? या फिर इस नंबर को आप अपनी लाइफ में वैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है? अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो और नॉलेज, जहां पे भी नॉलेज की बात है, एजुकेशन की बात है, ठीक है, वहां पे आप इस नंबर को यूज कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो, ऑकल साइंस में हो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, किसी भी विद्या में, तो भी आप इस नंबर को यूज कर सकते हो। ये आपको एक पावर की तरह काम करेगा, ठीक है? टीचिंग में आप इसको यूज कर सकते हो। कोई स्कूल टीचर हैं, कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेसर हैं, उनके लिए ये बेस्ट अंक है। कंसल्टेंट, कई लोग होते हैं जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है? स्पिरिचुअल, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में है, मेडिटेशन में है, रेकी में है, हीलिंग में है, उनके लिए भी ये नंबर बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? 3 नंबर किसका है? गुरु का, ज्ञान का, नॉलेज का, और 1 नंबर किसका है? सूर्य का, प्रकाश का, रोशनी का, ऊंचाई का, सक्सेस का, नेम फेम का, आपके समाज में प्रतिष्ठा का, ठीक है? तो ये नंबर आपको समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करता है। और ये नंबर जब 3 के साथ में जुड़ता है, 1 नंबर सूर्य जब गुरु के साथ में जुड़ता है, तो आपके जीवन में, आपकी एजुकेशन में रोशनी देगा, आपके प्रोफेशन में रोशनी भरेगा, ठीक है? तो ये एक सुपर डुपर कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को आप यूज करें, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
उसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन है जो हमारे लिए बहुत नेगेटिव है, ठीक है? वो कौन से हैं? एक तो है 28 का और एक 82, ठीक है? अगर आपके मोबाइल नंबर में 28 नंबर आ रहा है या 82 नंबर आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट है? अब देखो इसमें दो नंबर किसको बताता है? कौन बताएगा दो नंबर किसको बताता है? कल मैंने बताया था, एनीवन, एनीवन न्यू जो कल के वेबिनार में था, हैंड रेस करो, मैं आपसे पूछूंगी, कल कौन था? हाँ मीना जी, मून है मैम, तो मून को रिप्रेजेंट करता है और यही शनि को रिप्रेजेंट करता है। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, तो तीन नंबर, सॉरी दो नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है और 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, दो नंबर पानी को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर लोहे को रिप्रेजेंट करता है। जब पानी और लोहा दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? हाँ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जब पानी और लोहा आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? पास लिखे, जंग लगती है, रस्ट है ना, लाइफ बिकम रस्टेड। जिस तरह से पानी लोहे को जंग लगा देता है, वैसे ही 28 का कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ को रस्टेड बना देता है, ठीक है? सो इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, इट इज एंटी, दे आर एंटी टू ईच अदर, ठीक है? 8 नंबर शनि क्या है? दीवार भी है, ठीक है? शनि दीवार भी है और 2 नंबर पानी, मतलब दीवार में पानी, मतलब आपके घर में सिलन, सीपेज की समस्या ये कॉम्बिनेशन दे सकता है, ठीक है? राइट, तो हम इस तरह से कॉम्बिनेशंस को देखते हुए प्रिडिक्शन सीखते हैं। आप इससे 100 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे, ठीक है? और एक कॉम्बिनेशन के मैं आपको 10 से 15 प्रिडिक्शन बताऊंगी, 20 तक भी बताऊंगी, मतलब एक कॉम्बिनेशन के 10 से 15 20 प्रिडिक्शन बताऊंगी, ठीक है? आप सोचो कितने सारे कॉम्बिनेशन, कितने सारे प्रिडिक्शन आप सिर्फ मोबाइल नंबर से कर लो, व्हीकल नंबर से भी कर लो, इन योग को, इन कॉम्बिनेशन को बहुत जगह यूज करो, ठीक है? आपको लॉजिक समझ में आया सबको 2 and 8 का? यस और नो? समझ में आया ये क्यों एंटी है? क्या इसको रटने की जरूरत है? नहीं है ना, याद हो गया ना, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसी तरह से आपके मन में चल रहा होगा 100 कॉम्बिनेशन मैम बताएंगी तो उसको याद कैसे रखेंगे, कैसे रटेंगे उसको? हम तो कॉपी देख देख के प्रेडिक्शन करेंगे, नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लॉजिक को समझ जाओगे ना, आप आंखें बंद करके नींद से भी कोई उठा के पूछेगा ना तो आप उसको रिप्लाई कर दोगे, ऐसे आपको याद हो जाएंगे कॉम्बिनेशन सिर्फ 1 हफ्ते में क्लास में, ठीक है? क्योंकि आपको पढ़ाई इस तरह से जाएगा। यस किशोर जी, प्लीज। मेरा क्वेश्चन मेरा ये हो रहा है कि ये जो मोबाइल फोन न्यूमरोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन में तो एक चेयर मेरा नंबर है जैसे 201-696-5076, और हम ऐसा बोलते हैं कि वो सभी को ऐड करके एक नंबर बनाना है, तो ये जो आप 31 और 13 जो वो ये सभी नंबर को लेके उसमें ले पिक करते हैं, ये 13 या मैंने तो सोचा कि हम वी विल जस्ट ऐड ऑल द नंबर्स एंड कम अप विद वन नंबर। इट्स ओनली 5% पार्ट सर, जो टोटल कर रहे हैं ना वो तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का 5-10% पार्ट है, जो मोबाइल नंबर को। देखो कल मैंने एक चीज समझाई थी, शायद आप लोग मिस कर गए या फिर उसको रिलेट नहीं कर पाए, मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है? मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो कंफ्यूजन चल रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक। मूलांक को ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, भाग्यांक को कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। ये सर नो सुना होगा, ठीक है? मूलांक और भाग्यांक दो चीजें होती हैं। हमारा जिस दिन जन्म हुआ है उसका टोटल करते हैं तो मूलांक आता है। जैसे आज की तारीख क्या है? 22 तारीख। तो आज की तारीख पे जो इंसान पैदा हो रहा है उसका मूलांक क्या है? 4। 2+2 = 4।
ठीक है। और भाग्यांक क्या होगा, पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग्यांक, कंडक्टर नंबर, राइट। तो जैसे एक बस होती है, बस में क्या होते हैं, तीन चीजों के रोल होते हैं, एक होता है ड्राइवर का रोल मूलांक का, एक होता है कंडक्टर का रोल भाग्यांक का, थर्ड होता है पैसेंजर, उसमें जो सवारियां बैठी हैं, उसमें जो लोग बैठे हैं, जो लोग यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक रोल होता है, राइट। तो अब मान के चलो ड्राइवर अच्छा है, कंडक्टर अच्छा है, वो बस को अच्छे से लेके जाता है, छोड़ के जाता है सवारियों को। कभी ऐसा हुआ कि उसमें दो पैसेंजर ऐसे चढ़ गए जो टेररिस्ट थे, बस को हाईजैक कर लिया, तो क्या होगा, बस क्या अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगी, क्या नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो मोबाइल नंबर में भी जो अंक होते हैं ना, जैसे किसी का मोबाइल नंबर है 9135728 9 जो भी है, तो ये जो जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, ये सब पैसेंजर है, ठीक है। कौन से पैसेंजर है, कौन सा पैसेंजर किसके साथ बैठा है, उसकी क्या एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है। मान लो दो व्यक्ति लड़ने वाले बैठ गए एक ही सीट पे, वो पूरे बस में लड़ रहे हैं, बाकी लोगों का माहौल खराब कर दिया, वो क्या बोलेंगे ड्राइवर कंडक्टर को, अरे इसको उतारो, ठीक है, ये इंसान लड़ाई कर रहा है, या फिर ये गलत तरीके से देख रहा है, या फिर ये छेड़छाड़ कर रहा है, राइट। ऐसा ही तो होता है ना। तो मोबाइल नंबर में भी जो सारे नंबर आते हैं, डिजिट आते हैं, वो सारे पैसेंजर हैं, और कौन किसके साथ बैठेगा, क्या योग क्रिएट करेगा, यही तो हमें सीखना है। प्रिडिक्शन भी हम उसी से करते हैं, ठीक है, प्रिडिक्शन भी हम उसी से करते हैं। आप सिर्फ टोटल नंबर से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आपके मोबाइल का टोटल आ गया 15 और उसका टोटल क्या आ गया 6, वाह भाई सब बढ़िया, नहीं वो तो सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। बीच में क्या नंबर आ रहे हैं, क्या वो स्ट्रगल दे रहे हैं, क्या वो आपको लाइफ में सुख दे रहे हैं, या फिर आपकी चीजें डिले कर रहे हैं, या फिर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, वो बीच के नंबरों के योग डिसाइड करेंगे। और जो मैंने 3-1 का कॉम्बिनेशन बताया ना, वो मोबाइल नंबर के बीच में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नंबर है 913, तो 13 उसके मोबाइल नंबर में आ गया, ठीक है, वो 13 उसको एडुकेशन के लिए हेल्प कर रहा है, अच्छा कंसल्टेंट बना रहा है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना रहा है, उसको ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, उसके ज्ञान पे भी प्रकाश है, उसके ज्ञान पे भी दुनिया वाहवाही कर रही है, ठीक है। एक होता है किसी व्यक्ति को ज्ञान होता है, वो किसी कोने में दबकर बैठा हुआ उसका ज्ञान, कोई उसको समझता नहीं है, जानता नहीं, ठीक है। बट एक व्यक्ति ऐसा है, भले ही ज्ञान कम है, पर उसके ज्ञान को लोग बहुत जानते हैं, उसकी चर्चा बहुत है, ठीक है। तो ये नंबर डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ में क्या मिलेगा, ठीक है, ठीक है किशोर जी। आई होप मैडम, कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन इन दिस सेम लाइन। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल नंबर है सेल फोन का, जो उसका जब टोटल बनाते हैं, तो वो है हो गया मूलांक, और वो मूलांक नहीं होता, तो कंफ्यूजन में मूलांक होता है, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में मूलांक होता है, अच्छा, और पूरा डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करेंगे वो भाग्यांक हो जाएगा। यस यस। और सेल फोन का जो नंबर है वो सब पैसेंजर्स है। हाँ, यस यस। अच्छा, तो उसका सेल फोन का नंबर का टोटल नहीं करेंगे, वो सब अलग अलग रखेंगे। टोटल करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट देखते हैं सर, ये तो कुछ है जो मैं आपको बता रही हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल टू टेल यू हियर, है ना। बहुत सारे एस्पेक्ट हमें देखने होते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कितने डिजिट मल्टीपल में आने चाहिए, कौन से डिजिट मल्टीपल में नहीं आने चाहिए, कौन किसके साथ आना चाहिए, कौन किसके साथ नहीं आना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। यस जी, मैडम देखिए, जैसे आपने बोला 13, ठीक है, तो समझ लीजिए अगर मेरा नंबर 9913 95 फिर 13, मतलब अगर दो बार आता है तो फिर भी ठीक होगा, नहीं होगा? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑस्पिशियस नंबर है। एंड मैडम सेकंडली ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे समझ लीजिए मेरा नंबर है 8287059212, तो उसके इसमें 8 आया दो बार, तो वो तो ठीक नहीं होगा ना? नहीं, नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। अच्छा, सेकंडली मैडम, मैडम ना देखिए, मतलब ये जो मतलब नंबर जो आपके मतलब मोबाइल नंबर में है, ये सेम नंबर यू नो इफ यू पुट इन द लोशो ग्रिड, तो उसका ही फल वही होगा? नहीं, लोशो ग्रिड में तो वो अलग है, वो अलग है, ये प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, इसका ग्रिड। हां,
लो शुगर में नहीं डालते जी जी ठीक है। हाँ डॉक्टर नीना जी कह रही है मेरा 31 है। वेरी नाइस नीना जी, आपको भगवान की ब्लेसिंग है, आपके पास अच्छा नॉलेज होगा और आपके नॉलेज को लोग भी जानते होंगे राइट ठीक है सो इट्स गुड ओके। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ जी नीना जी कह रही है एब्सोल्युटली यू आर राइट ओके। तो आगे थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ कॉम्बिनेशंस के बारे में। मैं चाहती हूँ कि चलो आप लोग आए हैं तो कुछ तो आप सीखें, कुछ तो आपको चीजें समझ में आए। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो आप करेंगे कोर्स, नहीं भी हुई तो कुछ तो सीखेंगे कम से कम ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं तकलीफ तो देगा। अब जैसे मैंने बताया 2 नंबर चंद्रमा का है मतलब हमारे मन का है, 8 नंबर शनि का है तो ये मन को खराब करेगा, नेगेटिव थॉट्स देगा ठीक है। आप चाहे कितने ही पॉजिटिव इंसान हो पर कहीं ना कहीं बार बार आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी, बार बार आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी ठीक है, क्योंकि मन खराब हो गया। 2 नंबर व्हाइट मिल्क, 8 नंबर ब्लैक इंक, मिल्क में एक बूंद भी इंक डल जाएगी तो क्या होगा, मिल्क सारा ब्लैक हो जाएगा राइट। तो इस तरह से हम नंबरों को समझते हैं। ये विश योग भी बनाता है, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं वो जानते हैं ठीक है। चंद्रमा और शनि ये न्यूमरोलॉजी में भी विश योग कहलाता है ठीक है। काफी चीजें होती है जो नहीं होती मैच, बट यस न्यूमरोलॉजी में भी विश योग कहलाता है। मॉइस्चर इन द वॉल, ये मैंने आपको बताया ठीक है, घर में कहीं ना कहीं पानी या सिलन, आप जहां जहां भी जाओगे ना वहां पे आपको ये चीजें 80-90% कॉम्बिनेशन में देखा गया है ठीक है। हाँ हो सकता है 10-20% नहीं भी हो राइट, 100% नहीं होता। अब जैसे 2-8 के कॉम्बिनेशन में 10 चीजें हैं, हो सकता है कोई दो दूसरी मैच नहीं कर रही तो कोई और कर रही हूं ठीक है। तो इनका रिजल्ट आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। पैसा तो देगा ठीक है, पैसा कैसे देगा, 2 नंबर किसका है, पैसे का, धन का, मनी का, 8 नंबर किसका है, शनि का, ठहराव का। तो धन का ठहराव देगा ये, पैसा तो देगा ठीक है। सैटर्न क्या है, स्टेबिलिटी है, अर्थ एलिमेंट। ये विपरीत राजयोग भी बताता है, ऐसे इंसान स्ट्रगल तो करेगा बट स्ट्रगल के बावजूद भी मेहनत करके पैसा कमा ले है ना। और ये 2 मैरिज का योग भी देता है, या तो खुद का या फिर हो सकता है फैमिली का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद की 2 शादी नहीं हुई, होता है ना, एक शादी पेड़ से करा दी शादी से पहले ठीक है, या फिर खुद की दूसरी शादी होगी, या फिर परिवार में किसी की 2 शादियां हुई होंगी राइट। तो इस तरह से हम एक कॉम्बिनेशन को देखते ही आप अपने क्लाइंट को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत इजीली इंप्रेस कर सकते हो ठीक है। आपने उससे कुछ भी नहीं पूछा, मोबाइल नंबर देख के फटाक से 1-2 चीजें बताई, वो कहेगा कि अरे आपको कैसे पता, मैंने तो बताया ही नहीं आपको ठीक है। तो ये नंबर इतने मैजिकल हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं ठीक है। अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे है ना, नहीं तो जो है वो रह जाएगा। विल स्पेंड मोस्ट ऑफ द मनी ऑन डिजीज, ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं और जो पैसा है वो बीमारी पे ज्यादा खर्च होगा। पैसा तो कमाएगा व्यक्ति पर खर्च किस पे हो रहा है, बीमारी पे। और एंजाइटी और डिप्रेशन देगा क्योंकि मन खराब हो गया, 2 नंबर मन को शनि ने खराब कर दिया ठीक है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, नेगेटिव थिंकिंग ये डेफिनेटली लाइफ में ऐसे व्यक्ति के चलती रहेगी। कुछ टाइम चली फिर ठीक हो गया, फिर चली फिर ठीक हो गया। और ये भी मैंने देखा है इस कॉम्बिनेशन में ठीक है, ऐसे व्यक्ति की मदर के हेल्थ इश्यूज भी होते। चेक करिए जिनके 2-8 का कॉम्बिनेशन है, क्या मदर के हेल्थ इश्यूज है। मानसी जी कह रही है यस जी। मानसी जी, मेरे हस्बैंड का ही नंबर है और उनके मदर को रही है प्रॉब्लम, मतलब डेथ हो गई उनकी, तो डेथ ही होता है अर्ली एज में। और उनका बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराना नंबर है, काफी मतलब जब से वो जैसे 12th स्टैंडर्ड में होंगे जब से उन्होंने ये नंबर मेंटेन किया हुआ है। हाँ, तो मुझे आपसे बस एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे उनके ये आपने बोला ना डबल मैरिज, तो इसमें योग कभी भी बन सकता है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिया, फिर मतलब क्या रहता है
कभी भी बन सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उन्होंने शादी से पहले कुंभ विवाह करवाया हो, या फिर कोई शादी से पहले कोई पेड़ से शादी करवाई हो, इस तरह के जैसे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भी हो सकता है कि परिवार में किसी का हुआ हो, ठीक है, चाचा ताऊ में दो की शादी हो गई हो, दो शादियां हुई हो, ऐसा भी होता है। और ठीक है, देखिए होता है 90% योग काम करते हैं, 5-10% चेंज कराना चाहिए ना, मतलब अगर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। चेंज करा सकते हो, जैसे आपने बताया उनके योग बहुत काम किया है, उनकी मदर की हेल्थ भी खराब रही और डेथ भी हो गई, तो मतलब योग काम कर रहा है। आप अगर उनकी कुंडली उठा के देखोगे ना, शनि चंद्र का रिलेशन डेफिनेटली बन रहा होगा, गारंटेड बन रहा होगा, उठा के देखना। अच्छा। आप मोबाइल नंबर से बता दोगे कि कुंडली में शनि चंद्र का योग बन रहा है, या तो युति दृष्टि होगी। सीलन वाली प्रॉब्लम भी 100% है, हम जहां जहां भी गए वहां वहां हमें सीलन मिली है घर में। बिल्कुल बिल्कुल, योग काम करते हैं, ठीक है। आप 10 लोगों से पूछोगे, 7-8 लोग आपको यस बोलेंगे। देखो 100% तो हम भी खुदा नहीं है, है ना, 100% तो हम भी खुदा नहीं है। अपने कर्मों के हिसाब से, बहुत सारी ब्लेसिंग के हिसाब से 5-10% तो वेरिएशंस रहते हैं, बट यस 10 लोगों में से आपको 7-8 में भी अगर ये चीजें मिल रही है ना, सो वी आर ऑन राइट ट्रैक, मैं तो इतना मानता हूँ। बट मुझे ये ना कि मुझे इनसिक्योर नहीं होना चाहिए ना कि भी मैरिज का, जैसा आप बता रहे हैं सेकंड तो मैं आप उनका नंबर चेंज करा सकते हैं। जब हमारे पास, मैंने कल भी बताया था, रसमलाई खाने का ऑप्शन है, तो आप दाल क्यों खाओ, भुजिया क्यों खाओ, आप रसमलाई खाओ ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। संदेश जी कह रहे हैं 100% राइट, ठीक है ओके। सुजीत पांडे जी कह रहे हैं कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। सुजीत पांडे जी, आपके नंबर के बारे में मैं एक चीज कह सकती हूँ, आपको हेल्थ इश्यूज, ठीक है, बाकी मैंने और कैलकुलेशन नहीं किया, हेल्थ इश्यूज ये नंबर आपको दिखा रहा है। तो अभी चलते हैं, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन आंसर ही ले रही हूँ, आप लोगों से बात करूंगी, ठीक है, आप लोग थोड़ी सी वेट करें। मूड स्विंग्स भी देगा ये नंबर, 2-8 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इमोशनल इम्बैलेंस, फैमिली डिस्टर्बेंस। अब देखो, किसी का जब मन ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा रहेगा, टेंशन में रहेगा, तो हो सकता है घर पे लड़ाई झगड़ा करे, फैमिली तो डिस्टर्ब होगी ना, राइट। एडिक्शन, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 2-8 का कॉम्बिनेशन है, इंसान को किसी ना किसी तरह का एडिक्शन देता है, किसी ना किसी तरह की लत देता है, ठीक है। जरूरी नहीं वो ड्रग्स हो या फिर ड्रिंक हो, किसी भी तरह का एडिक्शन देता है, ठीक है, कुछ भी हो। ऐसा इंसान हो सकता है कि YouTube पे 10-10 घंटे वीडियो देखता हो, उसको एडिक्शन हो गया, ठीक है, कोई भी एक चीज के पीछे पड़ जाएगा, उसका एडिक्शन हो जाएगा। आप इस एडिक्शन को पॉजिटिव वे में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ, इस कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव एडिक्शन भी तो दे सकते हो ना, जिससे रिजल्ट अच्छा मिल रहा हो। आप 10 घंटे उस चीज के पीछे पड़ो ना जहां से आपको फायदा हो रहा है, आप ऐसी चीज के पीछे 10 घंटे नहीं निकलना, ठीक है। तो ऐसे हम नंबरों की जो वाइब्रेशन है वो हम चेंज करते हैं, चैनलाइज करते हैं, ठीक है। सेल्फ हार्म, ऐसा व्यक्ति खुद को भी हार्म कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है सभी करते हैं, बट यस जिन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और उनका पर्सनल ईयर भी कहीं 8 आ गया, 2 आ गया, तो थोड़ा सा और ज्यादा उनके लिए दिक्कत हो जाती है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, जल्दी से दूसरों को माफ नहीं करते, ठीक है, पकड़ के बैठ जाएंगे, उसने ये चीज की तो ऐसे क्यों की, उसको नहीं करनी चाहिए थी, अरे भाई हो गई ना, माफ करो, आगे बढ़ो, मूव ऑन। नहीं, ये मूव ऑन नहीं होते, गलती हुई तो हुई, क्यों, ठीक है। मानसी जी इज ऑल्सो अग्री, लग रहा है सारे कॉम्बिनेशन उनके फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। तो माफी एक बहुत बड़ी चीज है, हमें रोज दूसरों को माफ करके सोना चाहिए। आपको पता है फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर सक्सेस। हम जब दूसरों को माफ करते हैं ना, हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे, वो हम खुद के लिए कर रहे हैं। आप रोज किसी को माफ करके देखो, आप कितना हल्का महसूस करोगे, कितना लाइट महसूस करोगे,
और आप जब तक उस व्यक्ति को माफ नहीं करोगे ना, वो व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में आएगा, उसने ये किया, उसने ये किया। माफ कर दो, आगे बढ़ो, आप भी खुश, वो भी खुश। क्यों अननेसेसरी के कार्मिक कनेक्शन बनाने हैं? ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को जब माफ करना सीख जाते हैं तो इनकी लाइफ में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाती है। राइट, ओके। सो नेक्स्ट इज एक और कॉम्बिनेशन है विच इज वर्स्ट कॉम्बिनेशन, यू मस्ट अवॉइड इट। मस्ट अवॉइड इट मीन मस्ट अवॉइड इट, ठीक है। गारंटी के साथ कहती हूं ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में स्ट्रगल देगा, मैरिड लाइफ में दिक्कत देगा, हेल्थ में दिक्कत देगा, चीजों को डिले करेगा, गारंटी के साथ कहती हूं मैं, ठीक है, ठोक बजा के। शनि प्लस राहु, राहु क्या है? कोरोना वायरस है ना, राहु क्या है? वायरस भी है, ठीक है, बीमारी फैलाएगा, ठीक है, हेल्थ इश्यूज देगा, डिजीज देगा। तो कभी भी मोबाइल नंबर लो, ऐसे कॉम्बिनेशन को हर जगह अवॉइड करो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे वो आपका व्हीकल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, 84 नहीं लेना, चाहे आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है चाहे 4 है। आप सोचो मेरे लिए 8 लकी है, नहीं है, डोंट टेक इट, ठीक है, स्ट्रिक्टली डोंट टेक इट। क्रॉस, आपको कहीं वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो बोला वो सही है कि नहीं। इट्स माय रिसर्च, इट्स माय एक्सपीरियंस, आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स, ठीक है, उसी के रिसर्च के बेसिस पे आपको मैं डंके की चोट पे कह रही हूं ये कॉम्बिनेशन नहीं लेना। आंखें बंद करके क्रॉस कर दो, हेल्थ इश्यूज देगा, ठीक है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, और बहुत सारे लोगों में तो कैंसर के योग में भी ये देखा गया है। ऐसा नहीं है कि सबका सबको होता है, ठीक है, सबको कैंसर होता है ऐसा नहीं कह रही मैं, बट यस कैंसर जिनको होता है उनके ये योग मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को ही होगा या हर किसी को मिलेगा, तो ब्लड से रिलेटेड दिक्कत देगा ये, ठीक है। चार नंबर क्या है? हाँ, चार नंबर राहु का, 8 नंबर शनि का। जब लोहे पे जंग लगती है तो सबसे पहले ब्लड खराब होता है ना, जब लोहे पे जंग लगती है तो सबसे पहले ब्लड खराब होता है, और जो शनि है ये सब खराब कर रहा है, और राहु का काम तो यही है, वो जिसके साथ भी मिलेगा उसको खराब कर देगा। मैरिड लाइफ इन डेंजर, ठीक है, मैरिड लाइफ इन डेंजर, किसी की शादी और किसी का जन्म 1948 को हुआ है या फिर 1984 को हुआ है, 99% केसेस में दीज पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप, इधर दे आर सेपरेट और दे आर प्लानिंग टू टेक डाइवोर्स, और मे बी दे हैव ऑलरेडी टेकन द डाइवोर्स, और इफ दे आर लिविंग टुगेदर देन ऑल्सो दे आर लाइक सेपरेशन, रह तो रहे हैं साथ बट वो सेपरेशन की तरह ही है, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, ठीक है। तो जो ये कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी दिक्कत क्रिएट करता है। अगर आपके मूलांक भाग्यांक में भी कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, 4 और 8, 8 और 4, देन ऑल्सो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज, ट्रस्ट मी, ठीक है। कोर्ट केस भी देता है ये कॉम्बिनेशन, और बहुत हार्डवर्क, बहुत स्ट्रगल करवाता है, ट्रस्ट मी, बहुत हार्ड वर्क देता है, ठीक है। 4, 6 या 6, 4 का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन आपको पैसा देगा, एंटरटेनमेंट देगा, फन देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण, ठीक है, लॉट ऑफ फीमेल्स अराउंड, यूटीआई इंफेक्शन भी देता है कॉम्बिनेशन 4 और 6, पाइल्स का प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ने वाले हैं, 100+ कॉम्बिनेशंस, राइट। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग। हाँ,
ओके ठीक है. और एक चीज, हम मोबाइल को किस डायरेक्शन में रख के चार्ज करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. मोबाइल के स्क्रीन सेवर कैसे होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. मोबाइल फोन का होम स्क्रीन कैसा होता है वो भी इम्पोर्टेंट है. मोबाइल फोन के पासवर्ड कैसे होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. ये सब हम कोर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. बट एज ए टिप मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ किस डायरेक्शन में रख के आप मोबाइल चार्ज करें तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है. तो कुछ एक चीजें मैंने आपके लिए लिखी हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ. ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जिनका काम है रील्स बनाने का, एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस का, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल को रखकर चार्ज करें तो उनके लिए अच्छा है, ठीक है. ईस्ट डायरेक्शन, जिनका काम है नेटवर्किंग का, लोगों से कनेक्शन का, ठीक है, वो अपना मोबाइल को ईस्ट डायरेक्शन में चार्ज करें तो उनके लोगों से कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है. बहुत सारे कॉल्स आएंगे. आपके साथ ऐसा होता है कि आपका काम तो है पर कोई कॉल ही नहीं आता, कोई कॉल ही नहीं करता, या फिर लोगों से कनेक्शन नहीं बन पाते. जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए, दूसरों से कनेक्शन चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है. तो ईस्ट डायरेक्शन में आप मोबाइल को रख के चार्ज करो, आपको लोगों से कनेक्शंस मिले. ईस्ट साउथ ईस्ट, ये एंग्जाइटी को बढ़ाता है, ठीक है, एंग्जाइटी को बढ़ाता है, इसमें अवॉइड करना है. साउथ ईस्ट अट्रैक्ट पेमेंट और कैश फ्लो, ठीक है, अट्रैक्ट पेमेंट एंड कैश फ्लो. साउथ ईस्ट अग्नि कोण, एसएससी साउथ साउथ ईस्ट, जो लोग जिम का काम करते हैं, योगा का, फिटनेस का, ठीक है, उनके लिए अच्छा है. एसएससी साउथ साउथ ईस्ट, राइट. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये कॉम्बिनेशन, इस डायरेक्शन में चार्ज करने से इंसान बहुत परेशान रहता है, ऑलवेज इरिटेटिंग. घंटी बजी और उसका दिमाग खराब हो गया, अरे यार किसका कॉल आ गया, फिर से कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, तो वो मोबाइल से इरिटेट हो जाएगा. तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नहीं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अवॉइड करके चलना, ठीक है. तो मेरी तरफ से इतना ही था, ठीक है. टाइम की लिमिटेशंस हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं. तो आई होप आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा. मुझे पढ़ाने में मजा आया, तो आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आया होगा. आप लोग चैट बॉक्स में अपना फीडबैक लिख सकते हैं, आपको कैसा लगा, है ना. और अपना जो कोर्स है ये स्टार्ट हो रहा है, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मैं अपना जो नंबर है वो चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, 9610363666, ठीक है. तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. और ये जो कोर्स है ना, बहुत छोटा कोर्स है कहने को, ठीक है, क्योंकि 6 दिन का है, पर 6 दिन में आपको लगेगा कि आपने 6 महीने की पढ़ाई कर ली, ट्रस्ट में. और जो इस कोर्स का फीस है ना, आप कोर्स पढ़ते ही निकाल लोगे. 4-5 लोगों के भी मोबाइल नंबर करेक्ट करके दे दिए ना, आपकी फीस निकल गई. तो फीस की तो चिंता करना ही मत आप, ठीक है. हमेशा अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करो. आपको पता है एक स्किल आपको बहुत सारे प्रोफेशन में हेल्प करती है, ठीक है. आपका मान लो कोई भी ऐसा काम है, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रोफेशन में न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक है. अब एचआर, बहुत सारे एचआर मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि मैम हमें इंटरव्यू के लिए लोगों को सिलेक्ट करना होता है, हमें समझ में ही नहीं आता ये इंसान हमारे साथ कैसा काम करेगा. तो न्यूमरोलॉजी जब वो सीख जाते हैं तो रिज्यूम में डेट ऑफ बर्थ तो होती है, ठीक है. डेट ऑफ बर्थ से वो देखते हैं कि हाँ ये इंसान को लेना है, और इसको तो भाई गलती से भी नहीं लेना. अगर इसको लेना है तो इससे कौन सा काम कराना है, किस तरह से काम कराना, ठीक है. तो ये हम सब कुछ न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो आजकल के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट है. अब सोचो आपके पास ये स्किल होगी,
आप किसी भी व्यक्ति को बताओगे कि अरे तेरे मोबाइल नंबर में तो ये दिख रहा है, वो कहेगा मैडम कैसे बताया आपने, है ना। तो आपके पास एक स्किल एड ऑन होगी, आप प्रोफेशन बनाए चाहे नहीं बनाए, आपके पास एक ऐसी स्किल है कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा लोग आपके इर्द गिर्द ही घूमते हुए मिलेंगे कि अरे मैडम मेरे को बता दो कुछ मेरे बारे में, है ना। इसकी जो फीस है वो है 333333, ठीक है, 333333। और 6 दिन का कोर्स है, मिनिमम 6 डेज है, मैक्सिमम मुझे भी नहीं पता कितना होगा, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, आप अगर क्लास को मिस भी करोगे तब भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा आपका, उसमें सपोर्ट भी रहेगा, ठीक है। और वो ग्रुप भी लाइफ टाइम के लिए रहता है, मैं उसको कभी डिलीट नहीं करती, तो आप हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहते हैं, राइट जी। तो मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाँ जी मैम। नमस्ते मैम, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत क्लास बहुत अच्छा था, मैं तो ज्वाइन थी। मैम मुझे ये पूछना था, हमारा ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर में वो आप जो बुरा है अच्छा नहीं है बोल रहे ना, ये कुछ कॉम्बिनेशन सर, वो नंबर मिसिंग है तो फिर वो भी नहीं लेना है। अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर के एंटी हैं तो भी नहीं लेना उसको। अच्छा, जैसे आपका 8 नंबर मिसिंग है, ठीक है, तो भी उसको उस कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना है। और इसमें भी देखना है कि 8 नंबर किन के लिए अच्छा है, कौन ले सकते कौन नहीं ले सकते, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। बट ये पर्टिकुलर योग तो लेना ही नहीं है, चाहे आपके मिसिंग है चाहे नहीं है, वो मैटर ही नहीं करता। ये जो मैंने योग बताए हैं 8-4 का 8-4 का, ये तो लेना ही नहीं है, ठीक है मैम। और टाइमिंग फिक्स किया आप कल का? हाँ, टाइमिंग मैम अभी तक तो मैंने 6:30 किया है, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा लेट कर दो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं कर पाई 9 बजे का तो मैं 9 बजे का टाइम रखूंगी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। 9 बजे दूसरा क्लास है मैम, तो दिक्कत वाली 9 बजे दूसरा क्लास है मेरा। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, चिंता नहीं करें, कुछ ऐसा टाइम निकालेंगे बीच का, ठीक है। आप लोग जो ग्रुप में पोल करेंगे मैं उस हिसाब से देख लूंगी, ठीक है, आप लोग निश्चिंत होकर एनरोल कराइए। मैम अगर फिर 9 बजे खत्म नहीं हुआ तो मुझे वो क्लास मिस हो जाएगा, वो बीच में हूँ मैम उसका। ठीक है, कोई नहीं, आप मुझसे फोन पे बात कर। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग सुधा जी। या मैम आई वांट टू आस्क कि नया मोबाइल नंबर तो हम ले लेंगे, बट जो प्रेजेंट मोबाइल नंबर है उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना चाहता, सालों से चले आ रहे हैं लोगों के मोबाइल नंबर, बिजनेस नंबर होते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे, चिंता नहीं करें। ओके, एक एग्जांपल के तौर पे कुछ आप एक आइडिया बता सकते हैं कि कैसे करना है, है ना, वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा कि कैसे करना है, हर चीज के ऑप्शंस है, ठीक है। थैंक यू। हाँ मुकुल कौशिक जी, मुकुल कौशिक जी। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ मैंने आपका व्याख्यान सुना, मेरी एक शंका थी कि जो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रही हैं जैसे 4-8-2-8, तो मैं इस कॉम्बिनेशन का मतलब समझना चाहता हूँ कि 2-8 का क्या मतलब है, कि क्या 2 और 8 डिजिट, या आपके मोबाइल नंबर मान लो शुरू हो रहा है 92143, ठीक है, तो जो 92 है वो एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, और कुछ कॉम्बिनेशन हिडन कॉम्बिनेशन भी होते हैं जो आपको मोबाइल में दिखेंगे नहीं, ठीक है, वो तो हम पढ़ते हैं, वो तो स्टडी का पार्ट है। तो ये जो कॉम्बिनेशन कुछ तो आपको दिखते हैं, देख के मोबाइल में समझ में आ रहा है कि 92 से स्टार्ट हो रहा है मोबाइल, या फिर बीच में मान लो 95392 या फिर 29, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आपने मोबाइल में ले रखे हैं, ठीक है, तो उसका मैंने आपको ये प्रेडिक्शन बताया। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि 8 जो डिजिट है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है जी। तो इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, अंक शास्त्र में किस जगह प्रमाण है कि 8 अंक जो है वो शनि का प्रतिनिधित्व करता है? प्रमाण सर आप बहुत सारी किताबें ग्रंथ उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा।
नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी शंका थी, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे अभी तक इन अंकों के जो प्रतिनिधि ग्रह हैं कि दो जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगा, आठ शनि को करेगा, ये चीजें मुझे नहीं मिल पाई। आप मुझे थोड़ा सा कृपया रेफरेंस बता दें कि अमुक पुस्तक में या अमुक ग्रंथ में इसका प्रमाण है। सर ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, आप तो खुद विद्वान हैं, आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, आप अंक शास्त्र पे सर्च कीजिए, क्योंकि हुआ क्या है कि अपने भारत में बहुत सारे ग्रंथों को जला दिया गया, ठीक है, इसी तरह से अंक शास्त्र पे भी जो पुराने ग्रंथ थे उनको जला दिया गया, पर अभी भी बहुत सारे हैं, आप उठा के देखिए पढ़िए, उनमें आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बाकी आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको हम बहुत सारी चीजें बताएंगे। धन्यवाद जी जी। हाँ लक्ष्मी जी। हाँ जी मैम, बहुत अच्छी क्लास थी आपकी, फर्स्ट टाइम अटेंड किया, इतना तो मुझे नॉलेज, थैंक यू, हमारा सौभाग्य है आपके दर्शन हो गए, अच्छे नॉलेज मिला। ईश्वर के हैं, हम तो कौन होते हैं। नहीं फिर भी अच्छे लोग हो, कभी कभी मिलते हैं। क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? नहीं ऐसी बात नहीं है सेवा, बस मैं ये पूछना चाहती थी कि जिस तरह आपने इतने सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन और ये सब बताया, तो जो आपने ड्राइवर कंडक्टर के बारे में बताया कि भाग्य अंक और मूल मूल का अंक होता है, तो भाग्य अंक ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये? नहीं लक्ष्मी जी, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि भाग्य अंक ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मूलांक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मूलांक हमें ये बताता है कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी करेक्टरिस्टिक क्या है, हमारा पर्सनैलिटी क्या है, हम किस तरह के हैं, ठीक है। और आपका जो भाग्यांक है वो आपका लाइफ पाथ होता है, वो ये बताता है कि आपको लाइफ में जाना कहाँ है, वही आपके भाग्य का निर्माण, इसीलिए तो भाग्य अंक बोलते हैं ना, लाइफ पाथ, वो ये बताता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है। मैंने एक वेबिनार लिया था, उसमें मैंने इस पे काफी देर बात किया, तो आप मेरे चैनल पे जाके, आप बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। बाकी हाँ शॉर्ट में मैं यही बताती हूँ आपको कि जो भाग्यांक होता है वो हमारी आने वाली लाइफ को बताता है कंडक्टर नंबर, और जो मूलांक होता है वो हमें बताता है हम क्या है। आपको किसी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में, उसके नेचर के बारे में जानना है तो आप उसके मूलांक को देखते हैं, भाग्यांक को भी देखते हैं, भाग्यांक का रोल थोड़ा कम होता है, मूलांक का ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं एक नंबर से रूल करती हूँ, सूर्य, मैंने कल बताया था वीडियो में, सूर्य किसको दर्शाता है? सूर्य लीडरशिप को बताता है, टॉप मैनेजमेंट को बताता है, सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए भी एक प्रकाश का, टॉर्च का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मूलांक और भाग्यांक से डिकोड कर सकते हो किसी भी व्यक्ति के बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं उसपे, आप जाके देख सकते हैं। तो मैम आप ये बताएंगे हमें कोर्स में इसके बारे में भी? हाँ हाँ बिल्कुल, ये नंबरों के बारे में हम बताएंगे ना, पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। तो मूलांक भाग्यांक से जो हाँ। मतलब हमारा निकल रहा है, जैसे मेरा 6 and 8 है, 6 मेरा 24 से 6 आता है, बताऊंगी मैं। तो ये सारा भी आप बताओगे? हाँ, जैसे हाँ, जैसे लोग वो ग्रिड टाइप बनाते हैं, वैदिक अलग होता है, लोशु का भी मैंने देखा अलग है, तो आप ये सब बताएंगे हमें? नहीं मैम, ये इसमें लोशो नहीं आता, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, पर आपको नंबरों के बारे में मैं बताती हूँ। ओके तो वैसे वन लास्ट क्वेश्चन मैम, जो 6-8 का कॉम्बिनेशन है उसमें जैसे 8 आ गया, अब मेरा टोटल नंबर इज 8, तो व्हाट डज इट शो? हाँ मैम देखो, ऐसे तो सारे लोग इन शॉर्ट, जस्ट टू लाइंस, इन शॉर्ट में ये है कि 8 नंबर आ गए तो ये लाइफ में स्ट्रगल देगा, चीजों को आगे डिले करेगा, पहले की लाइफ थोड़ी ज्यादा अच्छी रही होगी, बाद की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल आएगा, है ना, हेल्थ इश्यूज आएंगे, बस ये कहना। थैंक यू वेरी मच, यू आर सो स्वीट, थैंक यू। पर हाँ न्यूमरोलॉजी में हमारे पास बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन है, इसीलिए तो हम सीख रहे हैं ना कि कैसे हमें इनको बैलेंस करना है, ठीक है। तो हर चीज की वाइब्रेशंस हम डाइवर्ट कर सकते हैं, सो डोंट वरी, कोई कॉम्बिनेशन बैड भी है तो उसको कैसे हमें चैनलाइज करना है वो भी हम सीखें, ठीक है। हाँ जी आरती जी,
मैम आई हैड टू क्वेश्चंस. फर्स्ट इज जो आपने कॉम्बिनेशंस बताए वो क्या डेट ऑफ बर्थ पे भी अप्लाई करते हैं? यस. ओके. एंड दूसरा क्वेश्चन था जैसे हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं उनके भी तो मोबाइल नंबर है तो क्या वो हमें इफेक्ट करेंगे या सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट करते हैं? ज्यादातर उन्हीं को इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है. बट जो व्यक्ति आपके घर में रह रहा है मान लो वो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो उसका दिमाग खराब कर रहा है. ठीक है. उसको मानसिक परेशानी दे रहा है तो मानसिक परेशानी उसको हो रही है. मान लीजिए किसी का हस्बैंड है वो बहुत परेशान रह रहा है तो उसकी वाइफ भी तो कहीं ना कहीं परेशान होगी ना. ऐसे तो नहीं है कि पति परेशान है और वाइफ खुश रहेगी. नहीं रहेगी. तो इम्पैक्ट उसके नेचर का उस पर आएगा. ऐसे नहीं कि उस मोबाइल नंबर का उस पर आ रहा है पर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आता है. डायरेक्टली नहीं आता. ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू. रश्मि जी प्लीज. प्रणाम मैम. प्रणाम मैम. मैंने एनरोल तो कर लिया है लेकिन टाइम अगर ना होगा तो मुझे भी दिक्कत होगी मैम क्योंकि मेरे भी काफी वर्कशॉप्स रहते हैं जो शाम को ही चालू होते हैं. ठीक है. तो वही मैं बोल रही थी प्लीज थोड़ा कंसीडर कीजिए क्योंकि क्लास में निकालूंगी जिसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. हाँ मैम. कैसे वही नौ अगर होगा तो काफी क्योंकि हमारे फिर 11:30 तक कंटिन्यू सेशंस चलते हैं. जी, तो रिकॉर्डिंग भी देखना फिर अगले दिन वो फिर डिले ही होते जाएगा यानी रहते ही जाएगा रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाएंगे फिर. ठीक है. डोंट वरी. मैं इसको देखूंगा. ये भी पूछना था जैसे अभी आपने 3-1 का कॉम्बिनेशन है बाकी कुछ भी कॉम्बिनेशन बताएं तो अगर दोनों नंबर साथ में आ रहे हैं तो ठीक है वो बात समझ में आ गई लेकिन जैसे 1-3 है या 3-1 है अलग अलग आ रहा है जैसे मेरा नंबर 9730526441 है तो 1 भी आया है 3 भी आया है तो ये भी इम्पैक्ट करता है कि कॉम्बिनेशन रहा तो ही उन चीजों का इम्पैक्ट होता है. वो जब हम पढ़ेंगे ना उसमें हम देखेंगे कि क्या ये कॉम्बिनेशन साथ में आ रहा है. जब हम ग्रिड में इसको लगाएंगे ठीक है तब हम ये देखेंगे कि क्या ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ना. वही तो मैं कह रही हूँ कुछ कॉम्बिनेशन हिडन होते हैं वो हमें लगा के देखना पड़ेगा. ओके. हाँ जी. एंड इसके लिए बेसिक न्यूमरोलॉजी नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्या ऐसे कुछ है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. मैं आपको ए फॉर एप्पल से पढ़ाऊंगी. ओके. थैंक यू मैम. जी हाँ. नेप्ट्यून. हाँ जी. हेलो मैम. जी मैम मेरा कुछ क्वेश्चन है जैसे मेरा जो है बेसिक नंबर 2 है एंड डेस्टिनी 8 है दोनों एंटी हैं इनका कोई फ्रेंडली नंबर आएगा? जो फ्रेंडली नंबर आ रहा है वो मेरी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी है. अगर मैं उसको चूज करती हूँ तो वो नंबर मल्टीपल हो जाता है. तो इसका भी सॉल्यूशन होगा? हाँ मैम बिल्कुल होगा ना. ऐसे थोड़ी कि आप बैठे रहोगे कि ले नहीं पाओगे. कुछ तो करना पड़ेगा ना. तो मेरे को तो कुछ से तो कुछ समझ आया नहीं थोड़ा बहुत जो मैंने सुना. आप कोर्स ज्वाइन कीजिए ना. क्यों चिंता कर रहे हैं वहां पे करेंगे. ठीक है. तो आप जो बताते हैं कि उसमें क्या कहते हैं अगर हमारे पास जो नंबर पुराना है अगर हम उसे चेंज नहीं करना तो उसमें आप रेमेडियल पार्ट बताते हैं? रेमेडीज बताते हैं? वो भी बताते हैं. वो भी बताएंगे कोर्स में? यस मैम. ठीक है. थैंक यू जी. हाँ अमित जी. हाँ नमस्कार मैम. नमस्कार मैम. एक 1-0 कितनी बार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उसका भी कुछ रोल रहता है क्या? 1-0 मतलब जीरो की बात करें ना आप सिर्फ. हेलो सिर्फ जीरो कितनी बार आना चाहिए मोबाइल में? हाँ सर वो तो देखना पड़ेगा ना किस अंक के साथ लेना है किसके साथ नहीं लेना. जीरो को भी हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते उसके भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो जीरो का भी पढ़ेंगे हम. ठीक है. जीरो को भी बहुत नहीं बढ़ाना वो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट देता है. ठीक है. तो किस अंक के साथ कितना जीरो लेने हैं ये भी हमें देखना होता है. हाँ रेणु जी. रेणु छाबड़ा जी. हाँ जी. हेलो. हाँ जी. गुड इवनिंग मैम. मैं वो ज्योतिष वाला 9:00 आता है ना वो वाला कर रही हूँ आप ही के वहां से. हाँ. और मैंने न्यूमरोलॉजी ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहीं से किया था. रियली आप में और उनमें जमीन आसमान का अंतर है. मैं सबको
बताना से करें, मैं करके भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया ना इतना ध्यान दिया गया। जो आपका स्टाइल है पढ़ाने का, अब लग रहा है कि मैंने पहले आप मिली होती तो पहले मैं आपसे कर लेती। और ये आप मुझे क्या ये बता देंगे, देखिए मैं करके आई हूँ कोर्स लेकिन मुझे नहीं आता, 2-9 का कॉम्बिनेशन कैसा है ये बता देंगे? 2-9 आपको पैसा तो देगा बट कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में इश्यूज देगा। ओके ओके, और 1-7 का बता देंगे भाई, मुझे लगता है फिर से करना पड़ेगा कोर्स, लेकिन हर किसी के लिए तो नहीं होता, ठीक है? कोई बात पड़ेगा आपके हिसाब से कि आपके लिए अच्छा है या नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन सबके लिए अच्छा है, नहीं होता ऐसा। अच्छा, 2-9 में मैरिटल इश्यूज मिले होंगे, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल मनी मिलती है इसमें फाइनेंशियल, ठीक है? इसके बहुत कहते हैं पैसा तो आता है बट प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में। और वैसे आपका पढ़ाने का स्टाइल इतना ज्यादा अच्छा, रियली ऐसा नहीं मिला मुझे पहले, पर जो वही है ना लक है, हम पहले कर चुके हैं और अब भी मैं कर रही हूँ। ब्लेसिंग्स हैं और ईश्वर ने चाहा तो आप फिर से करें। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया लगा। ओके थैंक यू। हाँ मानसी जी। मैम जैसे लोशो ग्रिड में जो नंबर मिसिंग होते हैं, जैसे मेरे लोशो ग्रिड में 4 और 2 मिसिंग है, तो वो नंबर में मैं ले सकती हूँ अपने नंबर में वो नंबर? नहीं मैम, नहीं ले सकती। अच्छा, ले ही नहीं सकती जैसे उसमें लोशो ग्रिड में मिसिंग है तो? आपको वैसे रेमेडी करनी पड़ेगी मोबाइल में। ओके ओके, ये और इसका टाइमिंग का जैसे आपका क्या रहेगा, वही मतलब टाइमिंग का इशू चल रहा है थोड़ा? बीच का ही देख रही हूँ कि यही टाइम रख ले, ठीक है, 6-7 बजे के आसपास का, ज्यादा लेट नहीं करें ताकि बीच का टाइम रहेगा तो सब लोग कर पाएंगे। आप जैसे न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस, थोड़ा बहुत नंबर्स का, या डायरेक्ट मतलब हमारा फोन न्यूमरोलॉजी होगी इसके अंदर? क्या आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बोलिए। जैसे आप इसमें केवल न्यूमरोलॉजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएंगे या डायरेक्ट ही फोन न्यूमरोलॉजी का कराएंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले तो बेसिक तो थोड़ा करना ही पड़ेगा ना आपको, जब तक नंबरों के बारे में नहीं पता चलेगा तो कैसे करेंगे। मैं बेसिक से स्टार्ट कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और एक आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, जो चीज रिक्वायर्ड है मैं सब कराती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं देना ये नहीं देना, मैं अपना बहुत देने की कोशिश करती हूँ हमेशा। आपने देखा होगा ये फ्री डेमो है, पर इसमें भी मैंने आपको बहुत कुछ देने की कोशिश की। नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 मतलब अच्छे से समझाया आपने, बहुत इम्प्रेसिव है तरीका आपका। और मुझे तो अब टेंशन में अपने हस्बैंड करेंगे, उनके 4-8 भी 2-8 का भी कॉम्बिनेशन और 8-4 वाला भी कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन है उनके मोबाइल नंबर में। आप सीखे और उनका चेंज कराए, है ना? आप कुछ सीखे और उनका चेंज कराए, आप कहीं से कंसल्टेंसी भी लोगे तो भी इतना पैसा लग जाएगा, इतने में तो आप सीख ही लीजिए ना। सीख ही लेंगे, हाँ नहीं नहीं दैट्स गुड। और एक जैसे अब मेरा भी जो डेस्टिनी नंबर है 6 स्टार्ट हो रहा है, तो अब 6 के अकॉर्डिंग लाइफ मतलब चलेगी, अब ये रहेगा 6 का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, ठीक है? 6 का कितना समय क्या ब्लॉक का इम्पैक्ट नहीं रहता, उसका भी रहेगा बट 6 का रोल काफी एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब 6 का किस तरह का रहेगा रोल? हाँ मैम, ये तो मैं अभी अभी वेबिनार में मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है? अभी टाइम ऑलरेडी हो चुका है तो बाकी हंड्रेड से उनसे बात कर लेते हैं। जी पुनीत। या मैडम मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा ये 2-8 का कंडीशन या 4-8 का, समझ लीजिए मैडम मेरे मोबाइल में 8-2 है और 1551 भी है, तो इट विल कट द बैड इफेक्ट्स ऑफ 2-8? नहीं, नो नो नॉट अच्छा, कट नहीं करेगा वो, नहीं करेगा। जैसे सपोज यू नो सपोज आई हैव गॉट 1-3 कॉम्बिनेशन एंड 2-8, तो 1-3 तो अच्छा रिजल्ट खराब है, तो अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और जो नेगेटिव है वो भी नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, आई थॉट नहीं, आई थॉट यार कि अगर 2-8 हो तो अगर 1-3 ज्यादा हो तो वो दे विल कट द बैड इफेक्ट्स ऑफ 2-8, नहीं वो आएंगे बैड इफेक्ट्स, आएंगे डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली। अच्छा मैडम, आपके नंबर में 6 बहुत 5-6 बार आ रहा है, एनी रीजन फॉर दैट? मैं कह रही हूँ ना, बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर हमको चूज कर लेते हैं। या मैं आपका नंबर देख रहा था तो 6 आपके 5 बार आए हुए हैं। नेटवर्क विद मोर पीपल, वही होगा ना, पब्लिक फिगर वगैरह? पब्लिक फिगर तो वो तो एक अपना मीडिया लाइन रह गया, बाकी ये देता है आपको
छह नंबर पे वीडियो बना हुआ है मेरा, आप देखिएगा यूट्यूब पे मेरा चैनल, किसी ने पूछा है मधुबाला चावला के नाम से है, आप मधुबाला चावला न्यूमरोलॉजिस्ट डालेंगे तो आपको चैनल आ जाएगा, आप उस पर देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। ओके जी जी। जैसे मैडम, मैडम एक चीज मैडम, जैसे मैडम देखा जैसे ना आप मतलब बात कर रहे हैं ड्राइवर और कंडक्टर, अगर समझ लीजिए मैडम किसी का 1 और 8 आ गया तो उसके लिए कोई रेमेडी है? नहीं, रेमेडी करेंगे ना, रेमेडी करवाते हैं। आउट ऑफ 81 कॉम्बिनेशन 1 and 8 इज वर्स्ट कॉम्बिनेशन, सो डेफिनेटली लाइफ बहुत तकलीफ में देगी, बट यस न्यूमरोलॉजी में इसका भी सॉल्यूशन है। रुचिका जी, मैं न्यूमरोलॉजी कोर्स मेरे बहुत सारे चलते हैं, ठीक है, बेसिक लोशो ग्रिड का चलता है, एडवांस न्यूमरोलॉजी का चलता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, वैदिक का, अभी प्रोनोलॉजी का भी आने वाला है, कोर्सेज बहुत सारे हैं, बट अभी जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का है। अगर आप बाकी कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे फोन पे बात कर लीजिए, ठीक है, कुछ आपको प्री रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, कुछ लाइव भी मिल जाएंगे, तो आपकी जैसी इच्छा हो आप मेरे अदर कोर्सेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया हुआ है और दूसरे कोर्सेज करना चाहते हैं, मेरे पास सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज मीन आप खुद सीख के प्रोफेशनली एज ए कंसल्टेंट यू कैन वर्क, ठीक है, तो आपके करियर के लिए एक ऑप्शन होता है, और मैं मेरे हर कोर्स में कंप्लीट सिखाती हूँ, कहीं पे भी आपको आधा अधूरा कोर्स नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से कोर्स कर लिया तो आपको 10 जगह और भटकना पड़ेगा कोर्स करने के लिए, नहीं, आपने कर लिया इट मीन्स इट क्लियर, ठीक है। अगर मैं कुछ अपग्रेड करती भी हूँ कुछ चीजों को तो मैं आई ऑलवेज इंटीमेट माई स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से किसी भी कोर्स को प्रोफेशनल लेवल तक सीख सकते हैं, ठीक है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज न्यूमरोलॉजी सिखा भी रहे हैं, एज ए कंसल्टेंट भी वर्क कर रहे हैं, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं मुझसे सीख के, ठीक है, तो क्योंकि कंप्लीट कोर्सेज है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एज ए प्रोफेशनल भी आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। इसके आपको सर्टिफिकेट, सॉफ्टवेयर, जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है मैं सब देती हूँ, ठीक है, जिस जिस कोर्स में जो जो रिक्वायर्ड है वो सब सब कुछ इंक्लूडेड आपको मिलता है जी। तो आज का सेशन हम माइंड अप करते हैं, अमित जी का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये समित जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है। मैडम एक ही नंबर की बार आना चाहिए, ऐसा कुछ रूल है क्या? एक ही नंबर मोबाइल में कितनी बार रिपीट होना चाहिए? सर वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं हम, है ना, ज्यादा मल्टीपल नंबर नहीं लेने होते, कौन सा नंबर कितनी बार लेना है ये हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं। इसको कोई नंबर हो सकता है कि 7 नंबर किसी के लिए 2 बार अच्छा हो, किसी के लिए 1 बार अच्छा हो और किसी के लिए 1 बार भी अच्छा नहीं हो, ठीक है, वो हर किसी की डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करेगा, तो वो सब हमें सीखना होगा। ऐसे मैं नहीं कह सकती कि इस नंबर को आप इतनी बार ले लो तो अच्छा है, नहीं, ठीक है। चलिए आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, और आप लोग जो भी एनरोल करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, मेरा नंबर लिख लीजिए 9610363666, या फिर आप लोग मेरे ग्रुप में भी होंगे, जो ग्रुप में नहीं है वो कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, या जहां से भी आपको लिंक मिला है उस लिंक के नीचे नंबर भी दे रखा है तो आप लोग बात कर सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं, और मैं कहूंगी जरूर एनरोल करवाएं। आपने देखा एक एक योग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको नहीं पता एक छोटी सी चीज के बदलाव से आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, ठीक है, इंसान रंग से राजा तक बन सकता है, राइट। तो ईश्वर का ये संदेश समझ के, ठीक है, मैं तो यही मानती हूँ कि आप लोग जुड़े हैं तो ईश्वर की कोई ना कोई रजा तो रही होगी, ठीक है, तो आप लोग इसको करिए, और जिन लोगों ने एनरोल करवा लिया उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और हम मिलेंगे क्लास में, ठीक है। तो चलिए ऑल दी वेरी बेस्ट, आप सबको भी बहुत बहुत मैं ऑल दी बेस्ट कहूंगी, ईश्वर की जो भी शुभकामनाएं हैं आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है, और मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, या फिर मैंने किसी को आंसर नहीं किया हो तो मुझे क्षमा करें, टाइम की भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, और मेरी भी खुद की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी ही, कभी कहीं, वी नेवर नो।
चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। मैं एक बार अनम्यूट कर देती हूँ, कुछ कहना चाहते हो जो लोग अनम्यूट करना नहीं जानते तो आप कर सकते, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया एक बार। हेलो। हाँ जी मैम, जो ये कोर्स आप बता रहे हो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो इसकी फीस कितनी है मैम? सर 333 3333। ठीक है मैम जी, ठीक है मैम जी। कितने दिन का ये? सर मिनिमम 6 डेज का है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है वो मैं भी नहीं जानता। मैम एक रिक्वेस्ट थी, इसमें यदि नेम का भी बता सकती, बताएंगी क्या कुछ पार्ट? नेम न्यूमरोलॉजी है वो, उसके लिए पूरा आपको कोर्स करना पड़ेगा, सिर्फ नहीं हो पाएगा। ओके जस्ट आस्किंग। नहीं रियली बहुत सुंदर आपका था, और जितना भी था सेटिस्फेक्शन था, और फर्स्ट डे से आज बहुत अच्छा लगा, और जरूर हम लोग ज्वाइन करेंगे आपको। और कोशिश करिए कि मेरी एक एडवाइस है, नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी को कंबाइंड लेकर आइए प्लीज, जस्ट एक रिक्वेस्ट है। हाँ मैं समझ गई, पर नेम न्यूमरोलॉजी इसके साथ कंबाइन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ना अलग एस्पेक्ट है उसको देखने के, वो मेरे दूसरे कोर्सेज में मैंने इंक्लूड कर रखा है। बाकी हाँ मैं ये कोशिश करूंगी कि सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी के अलग से एक वर्कशॉप लॉन्च करो, वो मैं कोशिश करूंगी। हाँ, क्योंकि मैम हम लोगों ने कर रखा है, आपका एकदम डिफरेंट है और बताने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और सही बात है, काश आप पहले हमें मिली होती। हम लोगों ने कर रखे हैं ये कोर्सेज मैम, थैंक यू नीना जी, लेकिन आपका एकदम डिफरेंट है बताने का जो है। हाँ जी। थोड़ा सा मैम और रीजनेबल लाएंगे थोड़ा सा, तो हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे आपको नीना जी। ये कोर्स करने के बाद में अगर आप मुझे कहो ना कि ये रीजनेबल नहीं था, आपके पैसे पूरे वसूल होंगे, ट्रस्ट मी, आप करके देखो, अगर नहीं अच्छा लगे ना पूरे पैसे वापस ले जाना आप कोर्स करो। मैम अरे नहीं नहीं भगवान आप तो एकदम देवी माँ का रूप लग, देवी माँ का रूप हो आप। नहीं ऐसा नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, आप करिए, अगर आपको लगे ना मधु जी हम सेटिस्फाई नहीं है, मैं अरे मैम ये तो बोलिए नहीं, मैंने तो आपको बिल्कुल कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने आप के लिए ऐसे बोला आपको। हाँ जी, कि कोई ऐसे और शॉर्ट ऐसा लाएंगे तो हम लोग ने कर रखे, हम ज्वाइन करेंगे, मैं कोशिश करूंगी, बिल्कुल कोशिश करूंगी। ठीक है, क्रोनोलॉजी वाला कब स्टार्ट होगा? क्रोनोलॉजी वाला करवाएंगे आप? क्रोनोलॉजी का कोर्स कराऊंगी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ, देखते हैं। जब माता की कृपा हुई तब शुरू हो जाएगा। मैम थोड़ा सा आपने मुझे दृष्टि वाला नहीं बताया मामला, मानी पूरा नहीं बताना था आपका, वो डिस्टर्ब ना हो। हाँ हाँ नहीं नीना जी, दृष्टि की बात नहीं है, उसके लिए क्या दृष्टियां बहुत तरह की हैं, और उन दृष्टियों को सीखने के लिए आपको उससे पहले बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप अगर इसी में ये मोबाइल में आप दृष्टियों वाला, हम लोग एस्ट्रोलॉजी कर रखा है, मैं वही कह रही हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में दृष्टि का चैप्टर पढ़ने के लिए उससे पहले आपको 4 चीजें और पढ़नी पड़ेंगी, उसके बिना आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप पढ़ाएंगी वो भी? हाँ हाँ सब पढ़ाऊंगी मैं, सब पढ़ाऊंगी जी जी। ठीक है हाँ ओके, नहीं मैं न्यूमरोलॉजी का क्लास है आपके आंसर देने की। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर क्लास में। ओके।